आपने देखा होगा और दिन ये पहाड़ के क्लियर दिखते थे सामने के, ये वाले और इधर वाले, तो ये सब पहाड़ सफ़ेद हो गए क्यों, किस कारण? मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोग जंगलों में आग लगा रहे जिस कारण। ये वेलकम टू यू, हैप्पी न्यू ईयर हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और सबसे पहले करते हैं आज नाश्ता। तो आज बनी आलू की सब्जी, रोटी और चाय, तो जल्दी से खाते हैं इसे। गाइस नाश्ता हो गया है और कल मेरे पैर में लस मोड़ आया था, यानी मुड़ गया था, जिस कारण वो हल्का हल्का सूज गया है। तो नानी अभी सेकेगी गर्म पानी से। बहुत ज्यादा गरम चार से हो ठीक तो कहां लेते शकिन होला अभी घरे में देखे तो खोटा ठीक हो जाता। कद का सेकण दा वाली हरी डिब्बी दो आईडेक्स की, जा अंदर से ले ले जा। और अभी बल लगाने के लिए दूंगी बस, अरे बल लगाने के लिए ले लेना अंदर से, ऐसे थोड़े ना बोल रही मैं। तो अभी गाइस अब पैर सेक दिया है ये वाला और अब चल रहे हैं घास लेने। और ये हैं झूले यानी कपड़े जिनमें बांध के लाना है, तो चलते हैं और लेके आते हैं जल्दी से घास। पहुँच गए और हमने ये वाला घास निकालना है जो शायद वीरेंद्र की मम्मी ने लगाया था, याद है मेरे को, तो इसको निकालते हैं और इसके ऊपर चढ़ना पड़ता है तब निकालते हैं। तो इन कपड़ों को यहाँ पे रखते हैं और इसके ऊपर चढ़ते हैं। तो गाइस मैं पलकुंड के ऊपर चढ़ गया हूँ और अब फेंकते हैं इस घास को नीचे। गाइस आधा घास निकाल लिया है और अब मैं नीचे जा रहा हूँ, उसकी लगाता हूँ बिड़गी। थोड़ा पास सा दिख रहा होगा आपको क्योंकि अभी मैंने फ़ोन ठीक से नहीं पकड़ा है। तो ये निकाल दिया है नीचे, इस पर बांधते हैं, लगा दिया, बांध दिया घास को झूले से यानी कपड़े से। और यहाँ पे और घास पड़ा है, अभी सब बांध के घर ले जाना है। मैं घास लेके जा रहा था और यहाँ पे देखिए सांप का बच्चा इसके अंदर जा रहा था। सांप का बच्चा यहाँ अंदर चले गया, वो मटमैला रंग का, मतलब मिट्टी जैसे रंग का था, जैसे जमीन का रंग है, और वो यहाँ पे गया है। मैं डर गया अभी, स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज है उसकी। तो घास ले जाते टाइम अचानक से मुंह के आगे सांप आ गया था, और अगर वीडियो में दिखा होगा तो दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे उस टाइम सर पे ये घास था तो मैं ठीक से नहीं दिखा पाया। तो चलते हैं इसको घर पे फेंकते हैं, तब बताएंगे औरों को। ढोंगो डाल फेंक दो, नहीं तो सांप को नहीं मारते। क्या सांप को नहीं मारते वाला? हाँ, दो राउंड घास लेके आए हैं और दो राउंड में हालत इतनी खराब हो गई, देख सकते हैं पसीना कितना भयंकर आ रहा है, गर्मी काफी ज्यादा, धूप आ रही है ना। तब ये देखिए कितना प्यारा पेड़ है, ये आड़ू का पेड़ है। फूल देखिए क्या सुंदर, खूबसूरत और प्यारे हैं, करीब से दिखाता हूँ। इस पे खूबसूरत सी वीडियो बना सकते हैं, इसके आगे अभी बनाऊंगा मैं जो। गाइस अभी आपने देखा छोटे बच्चों की होली, और उनको 10-10, 20 रुपए दे देते हैं तो खुश हो जाते हैं, बड़े लोग आते हैं तो 100-500 रुपए से कम में नहीं मानते। तो अभी हम घर चल रहे हैं, अब जा रहे मैं और भैया थोड़ा गंवाणी घूमने, तो निकलते हैं जल्दी से और देखते हैं वहाँ क्या क्या हो रहा है, क्योंकि आज छोटी होली है तो काफ़ी आनंद आएगा घूमने में, शायद, पक्का कंफर्म नहीं है, तो चलते हैं तब देखेंगे। गाइस देखिए क्या सुरताल मिला रहे हैं यहाँ पे, बड़े
ज़्यादा खुशी मैं दिखाता हूँ अभी आपको किसको है, यहाँ पे वो इन्जॉय कर रहे हैं। इतनी खुशी की देखी नहीं होगी, और यहाँ से इन्जॉय कर रहे हैं उसे देखते देखते सब लोग। गाइस यहाँ पे मनीष भाई ने नई दुकान खोली है गवाणी के पुल के यहाँ पे स्टार्टिंग में ही है, तो अंदर जाके दिखाते हैं हम आपको क्या क्या बन रहा है। आज मैंने चाउमीन है, मैक्रोनी मोमोज है, अदर स्प्रिंग रोल मोमोज है, स्प्रिंग रोल है, भुटवा भात है, और नूडल है, रायता है, चिकन है, मटन है। तो यहाँ पे आए तो भाई की दुकान में एक बार जरूर खाएं, एक बार स्वाद जरूर चखना, प्लीज डू विजिट हियर जी। आपने मनीष भाई की दुकान देखी तो बहुत ही अच्छा खाना बना रहे हैं, मतलब चाउमीन वाउमीन बर्गर सब ऑल टोटल, तो आप एक बार ज़रूर खाने आए। और अब भैया और मैं घर चल रहे हैं। खाना वाना खा लिया है और अब गेहूं को थोड़ा खरोलने जा रहे हैं, धूप में रखे थे सुखाने के लिए। इन पर थोड़ा थोड़ा हाथ मार देते, कल के धोए थे मैंने और भैया ने। अब गेहूँ पलटाने के बाद अब थोड़ी देर करते आ रहा है। वाई पीने के बाद शाम के 5 बज रहे हैं और मैं इन गेहूँ को उठा रहा हूँ और उन कट्टे में डालूंगा, तो ये ज़्यादा है शायद दूसरा कट्टा लाना पड़ेगा। एक कट्टा भर दिया है और अभी भी काफ़ी ज़्यादा बचे हैं, तो इसको नीचे ड्राम में फेंक के आते हैं। एक कट्टा खाली हो गया, अब इसको फिर से उठाते हैं और नीचे फेंक के आते हैं। उठाते उठाते गेहूँ वाले मिल गए, वो होली वाले मिल गए। 4 बच्चे ये आ रखे हैं, बीजेपी का झंडा पकड़ रखा है बीच में, कितने प्यारे लग रहे हैं। चल रहे हैं ब्यूल काटने, गेहूँ भी रख दिया, मुर्गियों के लिए चारा भी बना दिया है, और ये पीछे से देख सकते हैं पता नहीं कौन आ रहा है। ब्यूल काट लिया है और भैया पीछे से लेके आ रहे हैं, और अब मैं चलता हूँ पनीर घूमते घूमते, आज गवाणी से सामान भी लाना है। तो आपने देखा होगा और दिन ये पहाड़ के क्लियर दिखते थे सामने के, ये वाले और इधर वाले, तो ये सब पहाड़ सफ़ेद हो गए। क्यों, किस कारण मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोग जंगलों में आग लगा रहे, जिस कारण पेड़ पौधे छोटे छोटे जो उग रहे हैं और चिड़ियाओं पक्षियों का घोंसला वो सब जल जा रहा है आग में, और वो बेजवा हो जा रहे हैं, जंगल से जंगली जानवर नीचे गांवों की ओर आ रहे हैं। देखिए क्या भयंकर धुंध कर रही है चारों तरफ। और एमडी तो स्पेशल किसी चीज में बनेगी। अच्छा। जैसे कोई सर्जन होता है। डेंटिस्ट, फिर वो एमडी करने बोले। डेंटिस्ट का अलग है, डेंटिस्ट के लिए बीडीएस होता है। ये तो अमरूद दे दिया वाला, बैचलर ऑफ डेंटल का बीडीएस होता। गाइस घर पे आ गए हैं और इस ब्लॉग का यही एंड करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मनीष भाई की दुकान में एक बार ज़रूर जाएं, क्योंकि मैंने खाना चखा बहुत ही स्वादिष्ट था, और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बस उन्होंने 50 रुपये दिए थे मेरे को एक वीडियो बनाने के। तो बाय। यहाँ पे नाना जी गाना सुनाने आए हैं। यहाँ पे किताब नहीं मिल पाता, किताब में लिख रखा उन्होंने। गाना वो मिलेगा जिसको याद करोगे और जिंदगी में भी भूलोगे नहीं। ये मेरा वो गाना है, वो गाना है।